हाय गाइस, मैं हूं भीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी नंबर वन। तो ट्रिकी नंबर वन में स्वागत है सभी बहनों का। तो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आपके लिए बहुत बड़ी सूचना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की अपडेट, आज की खबर देखकर आपके मन को तसल्ली पहुंचेगी, आपके दिल को ठंडक पहुंचेगी। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही रुचिकरपूर्ण जानकारी होने वाली है, तो बहनें इस वीडियो को पूरा देखें। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो आपका बीसी सखी ऐप्स था, जिस ऐप पे आपने आवेदन किया था, वो ऐप आपका ओपन हो चुका है, उसके तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है। तो क्या नोटिफिकेशन है, कैसे क्या है, पूरी चीज़ दिखाएंगे, पूरी बातें बताएंगे। थोड़ी वीडियो आज लंबी होगी बट आपकी जानकारी यथार्थ होगी, मतलब सत्य होगी, ताकि आप किसी भी डाउट्स के लिए परेशान ना हो। काफ़ी कमेंट सुबह से आ रहा है, सर मेरा ऐप ओपन नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है और क्या क्या रिजल्ट आया है, सेलेक्ट होने पर क्या सूचना जारी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके थंबनेल पे, आपके मोबाइल पर दिख रहा होगा सूचना जारी, बीसी सखी ऐप अपडेट, अभ्यर्थी बीसी सखी मोबाइल ऐप को क्रियाशील करें, अपडेट करें। तो कैसे क्या करें, हम पूरा चीज़ लाइव आपको दिखाने वाले हैं। और क्या नोटिफिकेशन आपको आया है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किन किन बहनों के ऐप में कैसे क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, जितनी भी जानकारी है सभी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है जानकारी भरी है, काफ़ी नॉलेज भरी है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि वीडियो के साथ बने रहिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और चैनल पर जो बहन जो भाई नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट से संबंधित सरकारी योजनाएं, सरकारी स्कीम की जो भी होती हैं नियम, सिद्धांत या फिर योग्यता, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, और जो भी अपडेट होता है तुरंत ये देने की कोशिश करते हैं कि कोई भी भाई छूटे ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको दिखाते हैं कि क्या अपडेट है, क्यों जो है आपका ऐप ओपन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या जो है ऐप में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सभी आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि एक भी जानकारी आपकी छूटने ना पाए। तो चलिए, सुबह में मैंने एक वीडियो लोड किया था, उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी में था, मैं कहीं गया था, लेकिन इतना कमेंट आ रहा था तो बहनों को थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर सूचना दे दी। तो लेकिन अब इस वीडियो में आपकी पूरी डिटेल्स जानकारी है, क्या कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, उस वीडियो पे इतना ज़्यादा कमेंट आया है, उस कमेंट का जो है पूरा जो भी प्रॉब्लम है सभी आपके जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस ऐप में क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। पहले नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद ऐप क्यों नहीं काम कर रहा है, कैसे काम करेगा, इस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया, बहन हो या भाई हो या माता हो, जो भी हो, जो भी वीडियो को देख रही हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर आपकी समस्त जो है प्रॉब्लम्स की जड़ जो भी है समाप्त होगी, उसके सोल्यूशन आपको इसी ट्रिकी नंबर वन चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज की अपडेट। तो आइए बहनों, आपके सामने पेज ओपन हो चुका है, आप देख पा रहे हैं यूपी बीसी सखी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या करना है आपको, पूरी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है उस जड़ को हम समाप्त करने वाले हैं आपको इस ऐप में दिखाकर। तो ये देखिए, आपका एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन मिलेगा आपके फ़ोन में, होगा क्या, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर होगा, आप प्ले स्टोर में जाइएगा। और अभी मैं लाइव करके दिखा दे रहा हूँ, पहले बातों को थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत सीरियस मैटर है, काफ़ी दिनों से ये मैटर चल रहा था कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कितने लोगों ने कितनी परेशानी उठाई है। तो मैं आपकी परेशानियों को, आपकी भावनाओं को समझता हूं और सम्मान करता हूं, और इसी वजह से मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। बस आपसे छोटी रिक्वेस्ट यही होगी कि वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें, ताकि आप फिर किसी से ना पूछें कि कैसे क्या होने वाली है। तो मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आपकी नॉलेज फुल होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ देख लेना है, आपका ऐप का जो एप्लीकेशन होगा इस प्रकार का सिंबल होगा, जिन बहनों ने आवेदन किया होगा मोबाइल पे उन्हें पता होगा। सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर में टाइप करना है और इस प्रकार से कुछ इंस्टॉल का एप्लीकेशन आएगा, इस पे क्लिक करिएगा, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन में। उसके बाद देखिए क्या होगा, इस प्रकार से खुल के आएगा पेज, मैं अभी पहले आपको समझा दे रहा हूँ, फिर अभी लाइव करके दिखा दूंगा, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, मैं ये वादा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो ये देखिए, आपको इस प्रकार कुछ सिंबल खुल के आएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है जो आपने आवेदन करते समय किया था। इसी वजह से मैंने पहले कह रहा किया था कि भैया आप अपना मोबाइल जो है रिचार्ज करवा लो, चालू कर लो, क्योंकि आपके मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन आने वाली है।
तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे, आपको इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस इस प्रकार ओपन हो जाएगा और आपके सामने इस प्रकार की एक नोटिफिकेशन मिलेगी। और उस नोटिफिकेशन पे ये देखिए, अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, कुछ देर पहले, कुछ ही घंटे पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, यानी कि जारी हुआ है। तो हमने तुरंत सोचा कि बहनों को सूचित किया जाए, क्योंकि काफ़ी मैसेज और काफ़ी कमेंट आए थे। मैं जवाब देते देते थक गया था और बहनें भी काफ़ी परेशान हैं, भाई भी बहुत कमेंट किए हैं। मैं कमेंट को दिखा नहीं सकता, अगर आप कहेंगे तो दिखा भी सकता हूँ, बट ये प्रोसेस चल रहा है आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की। कमेंट के लिए किसी दिन और हम टाइम निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है स्पष्ट कि बीसी सखी ऐप अपडेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप को अपने अपडेट करना है। रही बात अपडेट के, किसी के मोबाइल में जब वो ऐप होगा तब तो अपडेट होगा, तो उस ऐप को आपको ओपन करना है। और कहां से प्ले स्टोर में मिलेगा मैं उसको अभी लाइव दिखाऊंगा। तो क्या करना है, ऐप को क्रियाशील करिए ताकि जो भैया क्या है बीसी सखी कार्यक्रम से संबंधित सभी जो है संदेश मैसेज आपके मोबाइल ऐप पर संप्रेषित किए जा सकें। संप्रेषित का मतलब होता है, अर्थ होता है कि भेजा जा सके, आदान प्रदान किया जा सके। तो सबसे पहले अपने ऐप को आपको क्रियाशील बनाना है। अधिक जानकारी के लिए आपको, अगर थोड़ा सा जानकार है बहनें, तो आपको क्या करना, अपने गूगल क्रोम में जाके इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। आपको ये टोटल सूचना मिल जाएगी, ये कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट है HTTP, यानी कि इसको हेप्ट बोलते हैं, /UPSRLM, ठीक है, ये आपका है। इस वेबसाइट पे आप ये सूचना देख सकते हैं, वहाँ भी समझ सकते हैं। फिलहाल मैं इस लिंक को अपने वेबसाइट यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल और भी जो आगे है लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो आपकी प्रॉब्लम होने की तो कोई बात ही नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं, ये नंबर पर आप संपर्क करके, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए आपके सामने अपडेट है। चलिए और आगे दिखाते हैं आपके सामने कुछ और अपडेट। तो बीसी सखी ऐप की शासन की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में बीसी सखी चयन की तैनाती के लिए मोबाइल के माध्यम से एक एप्लीकेशन था, आवेदन को स्वीकार किया गया है, जिसमें कुल 3.69 यानी कि लगभग 3.5 लाख जो अभ्यर्थी यानी कि महिलाएं यानी कि बहनों ने आवेदन किया है और अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत किया है। लगभग 2.16 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन पूर्ण किया है। मतलब आपको बता दें कि 2,16,000 लोगों का जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है। क्यों एक्सेप्ट हुआ, उनका सब कुछ जो सूचना था, जो मार्कशीट एविडेंस था, सभी जो है एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वो यथार्थ था। आगे देखते हैं क्या है, कंप्यूटर आधारित निष्पक्ष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या किया गया है, इनके लिए एक विषयगत आकलन आधार पर किया गया। अभ्यर्थियों को स्वयं सहायता समूह में उनके योगदान के आधार पर 56,825 बीसी को प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण में सेलेक्ट किया गया है। अब आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर बहनों ने कमेंट किया था कि कितने लोगों का होगा, तो 58,000 था करना, बट अभी देखिए इन्होंने 56,000 का सिलेक्शन किया है। और आप इनको करना कितना है, 2.16, मतलब 2,16,000 को, तो ये इनका पहला चरण है, इसके बाद भी सिलेक्शन होगी। बहनें निराश ना हो, चैनल के साथ बने रहें, सूचना जैसे आती है आप तक पहुँचाई जाएगी, आप फिर से सेलेक्ट हो पाएंगी जो बहनें छूट रही हैं। तो बस सपोर्ट ऐसे बनाए रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप पल पल की अपडेट लेती रहें। चलिए, जैसा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको बता दें कि सुझाव दिया जा सकता है कि सभी अभ्यर्थी बीसी सखी मोबाइल ऐप को क्रियाशील अपडेट रखें। बीसी सखी संबंधित संदेश या मैसेज मोबाइल पर ही आपको संप्रेषित किए जाएंगे। बहनें इस लाइन को ध्यान से देखें कि आपके मोबाइल पर सूचना ही मिलेंगी। और एक आपके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हेप्ट यानी कि USRLM एक वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपने पोर्टल पर जाकर। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो बहनें इस वीडियो को ध्यान दे रही होंगी। अब आते हैं, ये सब तो हो गया बायोडाटा यानी कि उसके बारे में, अब हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है। तो भैया यानी कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में रिजल्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और अब रिजल्ट आपके फ़ोन पर आएगा, मैसेज के द्वारा आएगा। और आएगा कैसे, जब आपका एप्लीकेशन तैयार रहेगा उसी एप्लीकेशन पर आपको सूचना मिलेगी। चलिए अब एप्लीकेशन की तरफ ले चलते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में और कैसे आपको अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो चलिए बहनों ले चलते हैं आपको लाइव दिखाने के लिए। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के होम पेज पर आना है। ऐसे आपके बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे अपने फ़ोन के, ये देखिए मैंने एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ मैं अपने फ़ोन के। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक होगा प्ले स्टोर, उसका नाम होगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन ज़्यादा है, मैं सर्च कर ले रहा हूँ, ये देखिए मिल गया, इसका नाम है प्ले स्टोर।
इसी ऐप पे आपको क्लिक करना, ये हर मोबाइल में होता है, इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। इस पे आप क्लिक करिए, यानी कि इसको ओपन करिए। ये ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और आपको सिंपली बहनों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, और यहाँ पर आपको बी सी सखी ऐप लिखना है। ये देखिए मैंने बी सी सखी लिखा कि बी सी सखी ऐप लिख के आ चुका है यहाँ पर। ये देखिए बी सिक्स ओपन हो गया, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। मुझे बी सी सखी एप्लीकेशन, ये देखिए बी सी सखी दूसरे नंबर पे है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए बहुत सारी बी सी सखी ऐप आ गए, मैंने इसी वजह से आपको सिंबल दिखाया। ये देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना, ये वाला, तभी मैं वहाँ से आपको सिंबल दिखा रहा था। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको यहाँ से ओपन करने को कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये पहले से इंस्टॉल है। जिसके फ़ोन में, जिस बहन के नहीं होगा, तो यहाँ पर डाउनलोड लिखेगा, तो आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर ओपन लिखने लगेगा, जैसे मेरे में लिख रहा है। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये देखिए मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये देखिए पेज ओपन हो चुका है। एक स्टेप इसमें से एक्स्ट्रा हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपसे फ़ोन मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा और एक ओटीपी जाएगी, इसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। मैंने ऑलरेडी ये कर दिया, इस वजह से डायरेक्ट मुझे लाके यहाँ पर खोल दे रहा है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि आपका रिजल्ट यहाँ पर कहाँ पर दिखेगा, जिसके लिए बहन काफ़ी परेशान है। यहाँ पर आपका रिजल्ट कहाँ दिखेगा? ये देखिए ये चीज़ हो गया कि इस ऐप पे आपका आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुआ है, धन्यवाद, मतलब आप प्रक्रिया कर चुके हैं, आपका जो है एक्सेप्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। अब रही बात कि रिजल्ट कहाँ दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक देखिए आपको ये बेल आइकन बना होगा, इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए बेल आइकन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपके सामने लिख के आ जाएगा क्या, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हुआ है। अब आपको बता दें पॉइंट वाली बात कि ये जो नोटिफिकेशन, अभी सच में मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि अभी एक सूचना जारी हुई कि आप अपने जो ऐप हैं, जो नंबर हैं, सबको एक्टिव कर लीजिए। जिन जिन बहनों का ज्वाइनिंग होगा, जिन जिन बहनों का बुलावा होगा, यहीं पर आपके सूचना मिलेंगे, और आपको पूरा यथार्थ लिखा होगा सही सही ढंग से कि आपको जाना कहाँ है और क्या क्या लेके जाना है। तो आई होप बहनें आज हमारी बात समझ गई होंगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो भाई कमेंट बहुत कीजिएगा, आपके मन में जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के जवाब हमसे लीजिएगा, हमने पूरा यथार्थ लाइव दिखाने की कोशिश किया है। तो फिर मिलते हैं एक और सूचना के साथ, एक दमदार नोटिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।